हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललिती। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ऑटोकैड में एलिप्स कैसे बनाते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी पसंद आ रही होंगी, प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वो भी पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट हमारी प्रीवियस कमांड्स हैं वो आपने प्रैक्टिस जरूर की होंगी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एलिप्स की। तो एलिप्स क्या होता है बेसिकली, जैसे सर्कल आपने लास्ट वीडियोज में देखा होगा, इसी का जो लास्ट पार्ट है उसमें देखा होगा आपने कि सर्कल कैसे बनाते हैं। एंड सर्कल के लिए सिंपल आपको रेडियस के अकॉर्डिंग, डाया के अकॉर्डिंग बनाना है। लेकिन एलिप्स में क्या होता है कि एलिप्स सर्कल नहीं होता, एलिप्स एक अंडाकार बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। तो हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एलिप्स के लिए अगर कोई भी कमांड आपकी लगी हुई है तो सबसे पहले स्किप कर दीजिए। देन एलिप्स के लिए ELL आपको टाइप करना है, देन एंटर करना है। देन अब यहाँ पर एक स्पेसिफाई करना है आपको सेंटर पॉइंट, तो मैंने कहा ये पॉइंट होना चाहिए। देन आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टोटल एलिप्स का बेसिकली डिस्टेंस कितना होना चाहिए टोटल, राइट। जिसको आप कह सकते हैं कि डाया कह सकते हैं, डाया नहीं कहेंगे क्योंकि ये एलिप्स होता है। बेसिकली डिस्टेंस विथ कितना होना चाहिए, तो मैंने कहा 300, एंटर कर देंगे तो ये टोटल एलिप्स का जो डिस्टेंस है वो मेरा 300 हो गया। अब ये पूछ रहा है यहाँ से, आप देखेंगे हाइट का रेडियस, आप देखिए 55.61 दिखा रहा है, यानी ये एलिप्स है तो इसका हाइट कितना रखना है। तो मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 50 आधा, यानी आप कह सकते हैं कि रेडियस जो है इसका 50 है एंड जो डिस्टेंस है टोटल वो 300 mm है, यानी 50 mm का रेडियस है एंड 300 mm का क्या है डिस्टेंस है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसके प्रेस कर देता हूँ, कमांड से बाहर आ जाते हैं, ELL गए एंटर। तो आप एक पॉइंट ले लीजिए और ये टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो जो आप डिस्टेंस लेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 382 है तो मैं इसको 400 कर देता हूँ, इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये हाइट आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आपको एलिप्स का जो है बेसिकली हाइट कितना रखना है, मैंने कहा 100 कर देते हैं। तो इस तरीके से 100 रेडियस एंड 400 बेसिकली विथ का एक मैंने एलिप्स बनाया। तो इस तरीके से आप रैंडमली भी बना सकते हैं, एलिप्स ऐसे एंटर करेंगे, ये सिलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया, और रैंडमली भी आप एक एलिप्स या जैसे भी अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो एलिप्स कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, जिसका कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ड्राइंग में यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज के आप एलिप्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे ये डिलीट करना है, सिलेक्ट कर लीजिए अपर राइट कॉर्नर और इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे पहला एलिप्स मैं बनाने जा रहा हूँ, डिस्टेंस आप यहाँ से कवरअप कर सकते हैं 100, राइट। एंड जो हाइट मैं रख रहा हूँ 100 का 50 रख लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से इलिप्स ना होके ये एक सर्कल सा ही दिखाई दे रहा है। तो मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने क्या किया, सर्कल क्यों आया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने डिस्टेंस टोटल लिया था 100, 100 मीन्स एक तरह से टोटल डिस्टेंस विथ, और हाइट मैंने 50, तो 50 रेडियस है तो डबल 100, तो 100 100 एक तरह से ये सर्कल सा ही बन गया। तो आपको क्या करना है, यानी यहाँ से ELL एंटर इलिप्स फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने 100 लिया एंटर, तो हाइट में यहाँ से 25 लूंगा तब जाके ये एलिप्स बनेगा, यानी 100 विथ और हाइट मैंने किया 25, यानी 1/4 आप हाइट रखेंगे ना, जिसको आप रेडियस कह सकते हैं, तब जाके ये एलिप्स थोड़ा ठीक दिखेगा। अब फिर से मैं बना रहा हूँ एलिप्स, अब मैंने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ले लिया और ये मैंने लिया 200, इसका जो हाइट ले रहा हूँ 1/4 यानी 50 लूंगा, तब जाके एक अच्छा एलिप्स ये आपको दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ से आप एक अगला, माना कि ये 300 डिस्टेंस है, इसका 1/4 आप कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका हाइट आप प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हैं। तो 1/4 में अगर आप जाते हैं तो करीब करीब आपका कितना आएगा, 75 आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये एक और एलिप्स आपका जनरेट हो गया। तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के आप एलिप्स यहाँ पर बना सकते हैं। सो होप आपको एलिप्स कमांड आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे और भी कमांड्स हैं उसके लिए लगातार आप वीडियोज को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और चैनल को लगातार फॉलो करें।
आप आगे के लिए और भी वीडियो चाहेंगे तो लगातार वॉच करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोज को लाइक करना ना भूलें, वीडियोज को शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।